एयरपोर्ट से ही होगी नवाज शरीफ की गिरफ्तारी, 10,000 जवान तैनात। लाहौर लौट रहे नवाज शरीफ ने कहा, कुर्बानी देता रहूंगा। नवाज और उनकी बेटी मरियम को लंदन में काली कमाई से फ्लैट खरीदने का दोषी ठहराया गया था। भोपाल में एक तरफा प्यार में युवक ने मॉडल को 8 घंटे बंधक बनाया, लड़की को गोली मारने की दे रहा था धमकी। अलीगढ़ का रहने वाला है युवक, मुंबई में हुई थी लड़की से मुलाकात, पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। महबूबा ने केंद्र को दी धमकी, कहा पीडीपी को तोड़ा तो हालात और बदतर होंगे, कई सलाहुद्दीन पैदा होंगे। हाल ही में पीडीपी के 5 विधायकों ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे। भाजपा ने 19 जून को महबूबा सरकार से समर्थन वापस लिया था। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में 400 मीटर में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी हीमा, 51.46 सेकंड में पूरी की रेस। हीमा से पहले किसी भी महिला एथलीट ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में जूनियर यूथ और सीनियर लेवल पर कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। पीएम मोदी अगले 6 महीने में देश भर में 50 रैलियां करेंगे। आम चुनाव के ऐलान से पहले भाजपा के 4 नेता 400 सीटें कवर करेंगे। मोदी जल्द ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी, आजमगढ़ और शाहजहांपुर में रैली करेंगे। पंजाब से हुई अभियान की शुरुआत। अपनी बायोपिक को लेकर विवादों में सनी लियोनी पर बन रही फिल्म के नाम में ना लगे कौर, SGPC ने की मांग। सनी की वेब सीरीज पर सिख समाज ने कौर शब्द को लेकर ऐतराज जताया। हिंदू पाकिस्तान के बयान पर शशि थरूर के समर्थन में उतरे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने कहा, विक्टोरिया मेमोरियल हो सकता है तो AMU में जिन्ना की फोटो में क्या बुराई है। किरण रेड्डी ने फिर थामा कांग्रेस का हाथ, आंध्र प्रदेश बंटवारे के विरोध में दिया था इस्तीफा। रेड्डी ने 2014 में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर नई पार्टी बना ली थी। माया अखिलेश के शासन की भर्तियों पर उठे सवाल, 2016 के TGT PGT के 8 विज्ञापन हुए निरस्त। गड़बड़ी सामने आने के बाद चयन बोर्ड के सचिव ने उठाया सख्त कदम। और अब ट्रंप भी देखेंगे भारत की ताकत। गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के लिए भेजा गया न्योता, 2015 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा इस समारोह में हुए थे शामिल। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।